गाइस हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि किसी ना किसी रूप में हमें अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है, किसी ना किसी रूप में भगवान हमारे जीवन में आते हैं, किसी ना किसी रूप में हम झंझट से निकल जाएंगे। सो गाइस इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है किसी ना किसी रूप में। किसी ना किसी रूप में इसे हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं इन सम फॉर्म और द अदर, इन सम फॉर्म और द अदर। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा इन सम फॉर्म और द अदर, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। किसी ना किसी रूप में हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इन सम फॉर्म और द अदर वी हैव टू बियर द फ्रूट्स ऑफ आवर डेट्स। In some form or the other, we have to bear the fruits of our deeds. किसी ना किसी रूप में भगवान हमारे जीवन में आते हैं। In some form or the other, God comes in our life. In some form or the other, God comes in our life. किसी ना किसी रूप में हम झंझट से निकल जाएंगे। In some form or the other, we will get out of this mess. In some form or the other, we will get out of this mess. किसी ना किसी रूप में हर कोई संगीत पसंद करता है। इन सम फॉर्म और द अदर एवरी वन लाइक्स म्यूजिक। इन सम फॉर्म और द अदर एवरी वन लाइक्स म्यूजिक। किसी ना किसी रूप में वो वापस आएगा। इन सम फॉर्म और द अदर ही विल कम बैक। इन सम फॉर्म और द अदर ही विल कम बैक।